मार्केट में कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपीवीसी बनाने वाले पीवीसी बेच रहे हो, लोगों को एक आम आदमी लग रहा है इसके इसके हाँ ये तो इसकी जोड़ देख रहे सर, ये देख मतलब मजबूत चीज फिर यही हुई, प्रॉपर वेल्डिंग हो रही है 300 डिग्री से लेकर 5। इस तरह अगर देखेंगे तो वो यूपीवीसी ही होगा या एल्यूमिनियम। आपको थोड़ा ये ध्यान करें कि आपने अच्छा अपने लिए घर की छोटी खिड़की जैसे ये 4x5.5 वो ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 700। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों पिछली वीडियो में आपको मैंने यूपीवीसी डोर्स और विंडोज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन एक बहुत अहम नुकता जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता वो ये है कि पीवीसी और यूपीवीसी में फर्क क्या है। लोग रवानी में बोलते हैं यूपीवीसी पीवीसी एक ही समझ लेते हैं, समझते हैं कि किसी में यू नहीं बोला बस एक ही मटीरियल है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। तो आज की वीडियो उसी फर्क को वाजे करने के लिए बनाई जा रही है क्योंकि दोनों के रेट और दोनों के मियार में बहुत फर्क है। तो इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? अदनान भाई पिछली वीडियो हमने बनाई थी यूपीवीसी डोर्स और विंडोज के बारे में, लेकिन नाजरीन को पीवीसी और यूपीवीसी में फर्क नहीं पता, उसके बारे में जरा आप एक्सप्लेन कर दें। तो वो डोर जो पीवीसी के मिल रहे हैं वो बड़ी चीप क्वालिटी होती है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो चाइना का एक मिसाल है, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। ठीक है, सेम इसका भी वही चीज़ है कि अगर आप देखें थोड़ा सा इसको जूम करें, ये है पीवीसी, सिंपल पीवीसी जी। ठीक है, ये इसके ये जो डोर लग रहे हैं ये एलसी के साथ लग रहे होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये इसकी चौकट है और ये इसका पल्ला है। ठीक है, पल्ला भी इसका देख लें, ये अंदर से सारा होल होता है लकड़ी के छोटे छोटे पीसेज होते हैं। ठीक है, ये आपके मतलब ये कह लेंगे आप ज्यादा अपने डेमो को देखे हुए काफी टूटे फूटे दरवाजे देखे होते हैं, वो इसी चीज के बने होते हैं। अच्छा, मतलब बहुत ही चले तो 2 से 3 महीने चले, इससे ज्यादा नहीं चलते। अच्छा अच्छा, बड़ी चीप क्वालिटी होती है, ये एलफी लगी हुई है, एलफी मतलब कितनी देर तक ठहरेगी। इसके मुकाबले अगर यूपीवीसी पे जाते हैं तो यूपीवीसी की ये देखें प्रॉपर वेल्डिंग हो रही है 300 डिग्री से लेकर 500 डिग्री पे ये वेल्ड होती है। अच्छा, आपका पाकिस्तान का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर गया ही नहीं है जी। ठीक है, तो उसके मुकाबले में ये हमारे पाकिस्तान की टेम्परेचर बड़ी अच्छी है, आपके सऊदी अरब में, कतर में, दुबई में, जितना भी यूरोप फ्यूचर 2020 के बाद नया का एक्ट आया उसके मुताबिक सारा यूपीवीसी यूज होगा। अच्छा, एल्यूमिनियम स्ट्रिक्टली अब कतर में तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन हो गया, वहाँ पे जस्ट यूपीवीसी यूज हो रहा है, हमसे काफी ज्यादा गर्म मुल्क है और वहाँ पे यूज हो रहा है। यूपीवीसी और पीवीसी की थिकनेस एक जैसी होती है, लोग पहचानेंगे कैसे कि पीवीसी है यूपी? अब मुझे तो दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, सिवाय ये फर्क है कि उसकी वो शायद 1 इंच का गेज है और जबकि ये जो है ये 10-10 सेंटीमीटर के हैं, ये फर्क है, क्या फर्क है? अरे अरे ठहरिए, एक मिनट रुकिए, क्या आपने अभी तक लाइक नहीं किया? क्या यार, लाइक तो कर दें प्लीज। चले अब आगे बात करते हैं, इसके वेट से ही आपको पता लग जाएगा। अब आप यूपीवीसी का इतना ही पीस उठाएंगे तो आपको इसकी वेट ये हालांकि इसके अंदर कुछ सॉलिड कुछ भी नहीं है। अब इसको उठा के देखें, आपको वेट से ही अंदाजा हो गया होगा ये यूपीवीसी है। ठीक है, ये पीवीसी है। हाँ, ये मुझे काफी वजनी लग रहा है जी, बिल्कुल इसके इसके हाँ ये तो ये बहुत हल्का है उससे। अच्छा, इसके वो वाले फीचर भी नहीं जैसे यूपीवीसी के फीचर होते हैं, जैसे अक्सर लोग हमने पीवीसी का डोर लगाया ना तो हमें साउंड प्रूफिंग मिल रही है ना वेदर प्रूफिंग मिल रही है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि आपने फेक चीज लगाई है। ओके, फॉर्मेलिटी वाले डोर लगाए वो आपको थोड़ा फीचर मतलब वो तो देंगे नहीं जो यूपीवीसी ओरिजिनल है, तो ये इसमें काफी फर्क है। अच्छा, एक चीज आपको ये बता दूं, मार्केट में 2 किस्म के डोर मिल रहे हैं पीवीसी के। हाँ, लोग इसको पीवीसी डोर कहते हैं। देखिए, आपने जब भी डोर लेना है अगर अच्छी क्वालिटी का लेना है तो हमेशा यूपीवीसी का डोर लेना। पीवीसी जो है वो चीप क्वालिटी है। ठीक है, उसके जो आपके बॉर्डर लाइन है जितने भी उसको वो फैब्रिकेशन या जो जैसे जिस मटीरियल से वो जोड़ है वो एलपी है, दिखता ऐसा ही है पीवीसी भी। ये पीवीसी है जी जी, उसमान सैंपल ले अंदर से पीवीसी का, आपको मैं सैंपल डोर का सैंपल दिखा देता हूँ। ये सिंपल पीवीसी, इसकी ये जोड़ देख रहे हैं सर, ये देख रहे हैं जी, ये एलफी के साथ लगे हैं। अच्छा, ठीक है, अब मुझे ये बताएं एलफी कितनी देर टिकेगी? अच्छा, ठीक है, किसी भी डोर में आपने रफ यूज करना है तो कितनी देर टिकेगी? ये बड़े चीप रेट में आपको मिल जाते हैं, तकरीबन 350 से लेकर 550 के दरमियान पर इस रेट की आपको मार्केट में मिल जाते हैं विद चोकर। अच्छा, बड़ी चीप क्वालिटी होती है। आपको थोड़ा ये ध्यान करें, अगर आप अच्छा अपने लिए घर के लिए बना रहे हैं तो यूपीवीसी पे जाइएगा, पीवीसी पे ना जाइएगा। मतलब ये पीवीसी की विंडोज भी बनती है? सिर्फ डोर्स बनते हैं। अच्छा ठीक है, इस तरह अगर देखेंगे तो वो यूपीवीसी ही होगा या एल्यूमिनियम हो सकता है।
तो एल्यूमिनियम के कितने की पड़ती है ऐसी खिड़की? सर एल्यूमिनियम में देखें, आप अगर 1.6 पे जाएंगे तो इससे मैंने आपको 650 रुपये भी दिया। आपके अगर एल्यूमिनियम आप सिंगल गेज 1.6 लगा रहे हैं तो छोटी खिड़की जैसे ये 4x5.5 वो ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 700-750 रुपये स्क्वायर फीट में पड़ जाएगी। अच्छा, क्योंकि एल्यूमिनियम अच्छा खासा महंगा हो गया। अगर आप अच्छा एल्यूमिनियम लगा रहे हैं, अंडर केज में जाएंगे तो फिर तो हो सकता है आपको 0.8 का भी सेक्शन मिल रहा है। एक मतलब आप ये कह रहे हैं किसी को काम होता है, आप उसको हार्ड से उसको खिड़की को मतलब मजबूत चीज फिर यही हुई। तो मार्केट में कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपीवीसी बनाने वाले पीवीसी बेच रहे हो? लोगों को, एक आम बंदे को क्या सेंस है? सर प्रोफेशनल बंदे तो कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर हाँ। प्रोफेशनल जैसे आप, हमारे पास काफी सारे लोग हैं और हमें बल्कि बताते नहीं है ये, तो हम लोग इसीलिए सैंपल यहीं पे रखा हुआ है कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाएगा कि लोग अक्सर उनको रेट बताते हैं हमें 500 पर स्क्वायर फुट में डोर मिल रहा है विद चौकट के साथ। अब आपकी अपनी कॉस्ट यूपीवीसी की मिनिमम 1050 रुपीज है डोर की जी, बहुत कम भी उस पर जाएंगे जी जी, क्योंकि कहाँ मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा फर्क है जी बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि वो एक चीज फेक है, एक फॉर्मेलिटी दरवाजा है, एक आपका ब्लॉक का दरवाजा है, इसके साथ बड़ी पहचान है इसकी एक दिन की वारंटी है। अच्छा, जब भी वो ये डोर लेने जाएंगे तो उनको वारंटी एक दिन भी नहीं देगी। दूसरी बात की पीवीसी के सिर्फ दरवाजे ही बनते हैं, यूपीवीसी का दरवाजा पर स्क्वायर फुट कितने का पड़ता है और पीवीसी का कितने का पड़ता है? सर यूपीवीसी का आप ये कहेंगे मैं जैसे 1050 से मिनिमम वो स्टार्ट होता है, फिर उसमें ऐसी इसी तरह कंडीशन है, अगर आपको सॉलिड भी आएंगे वो रेट ऐड होगा, जिस तरह आप डबल गेज में जाएंगे तो वो रेट ऐड होगा, डेकोरेटिव बार में जाएंगे तो वो रेट ऐड होगा, अगर आप ग्लास में जाएंगे मल्टी शेड ग्लास में वो रेट जो अलग से होगा वो ऐड होगा। और पीवीसी का कितने का बन जाता है? पीवीसी का एक स्टैंडर्ड होता है, ग्लास लगता है सिर्फ, ये ऐसी ऐसी शीट होगी। हाँ, तो ये पर स्क्वायर फुट कितने का पड़ता है? 300 से लेकर 500। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यूपीवीसी दरवाजा आप दिखाइए जो आप बता रहे थे। सर एक ये मेन डोर लगा हुआ है, डबल डोर लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। हाँ, लेकिन ये तो शीशों वाला है ना, तो मैं चाह रहा था सॉलिड ताकि लोगों को पता चले कि। हाँ जैसे सर ये देखें। अच्छा, यूपीवीसी का डोर है। ओके, इसमें मैं कुछ डिजाइन आपको और भी पे वो भी आपके। अच्छा, ठीक है, तो ये दोनों साइड से ऐसे ही है? जी बिल्कुल, दोनों साइड। मतलब हमारे पास चॉइस है कि हम अगर लकड़ी का नहीं लगवा के ये वाला भी लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, और इसकी आप फ्रेम समेत, तो ये इसकी आप प्राइस बता रहे हैं 1050 पर स्क्वायर फुट? मैंने तो आपको जो इसमें शॉप पर यूपीवीसी का जैसे ये डोर है इसके प्राइस है। हाँ ठीक है जी जी, ये तो खैर शीशे वाला है, और ये मैं ये पूछ रहा हूँ जो थ्रू आउट यूपीवीसी है जी, इसकी क्या प्राइस है पर स्क्वायर फुट? इसकी और आपके सिंगल गेज जो ग्लास के साथ डोर है वो सेम प्राइस है, मतलब 1050 इसकी भी है, 1050 इसकी भी है। अगर आप इसमें डबल गेज पे जाएंगे तो जो डबल गेजिंग जैसे खिड़की का जो रेट ऐड हो रहा है 200 रुपए, 200 रुपए इसमें ऐड होगा। वो आपने जो सिंगल ग्लास वाला बताया था वो 350 का बताया था, वो खिड़की थी, अगर दरवाजा बनवाएंगे तो वो महंगा बनता है। दरवाजा सिंगल गेज का कितने का है पर स्क्वायर फुट? 1050 शीशे के साथ। शीशे के साथ, और अगर थ्रू आउट यूपीवीसी का बनवाएं तब भी यही रेट है, सिंगल गेज ग्लास और सॉलिड डोर। अच्छा अच्छा, तो दरवाजे और खिड़की में फर्क क्या है? देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। सेक्शन वाइज फर्क है, अब ये देखें इसका सेक्शन आपको देख लो। हाँ, काफी चौड़ा है, अब खिड़की का सेक्शन उतना ही कम है। अच्छा ठीक है ठीक है, इसकी ये गेज ज्यादा है ये जी, सारा जी, जी। ओके, इतने ज्यादा। ओके, मतलब ये बहुत देखने की बात है कि पीवीसी ना लें, यूपीवीसी लें। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, ये इनके यूपीवीसी के डोर्स और विंडोज के डिजाइन हैं, इनके बारे में मुकम्मल तफसील आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सैंपल्स दिखा रहा हूँ, इनके बारे में तफसीली बात हमारी हुई है वो आपको उस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों चीज तो बहुत अच्छी है, घर को एक शानदार लुक भी देगी, पायदार भी है नो डाउट, और मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड है। दोस्तों ये तो मैं एक यूपीवीसी के वेंडर के पास गया, प्रोडक्ट तो इनकी बहुत अच्छी है लेकिन रेट्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी दूसरे यूपीवीसी वेंडर के पास जाऊं और उनसे भी रेट्स पता किए जाएं ताकि कंपैरिजन तो हो सके कि क्या वाकई हर दुकान से इसी रेट्स पर यूपीवीसी डोर्स और विंडोज़ मिलती हैं, या ये रेट ज़्यादा है कहीं से सस्ता मिलता है, या कहीं पर और भी ज़्यादा महंगा मिलता है? क्या आप ये जानना चाहेंगे?
अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं और एक दूसरे यूपीवीसी के ठेकेदार के पास भी जाऊं, तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा लोगों ने इसरार किया तो ही वो वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 3 आपने देख लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो नए व्यूअर्स जिन्होंने नहीं देखे हुए वो देख सकते हैं। नए आने वाले व्यूअर्स ये भी जान लें कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे सर्विसेज चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को लाइक और फॉलो करके वहां कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।